नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले दिल्ली से एक बड़ी जानकारी, 9 भाजपा सांसदों के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कि इस कवायद में अब लगी हुई है कि मध्य प्रदेश में जितने दिग्गजों को उतारा उनको अब सिलसिलेवार मध्य प्रदेश लेकर आया जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। प्रहलाद सिंह पटेल ने भी इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा भी मंजूर। सभी 9 भाजपा सांसदों का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कुर्सी पर कौन बैठेगा, मुखिया कौन होगा, ये तमाम सवाल हैं। किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है ये देखने वाली बात। लेकिन उससे पहले जो प्रोसीजर संवैधानिक तौर पर चला आ रहा है, पहले वाले पद से आपको इस्तीफा देना होता है। चूंकि अब मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं तमाम दिग्गज, 9 भाजपा सांसद जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय मंत्री के पद से भी प्रहलाद सिंह पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर इस्तीफा दे चुके थे, उनका अब इस्तीफा मंजूर हो गया है। ओम बिरला की तरफ से इस्तीफा मंजूर किया गया, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी संभालते हुए तमाम दिग्गज आपको नजर आने वाले हैं। 9 भाजपा सांसदों के इस्तीफे मंजूर हुए हैं। अब अलग अलग क्रम में आप ये सिलसिला देखेंगे। अब तमाम जो कवायद हैं वो पार्टी के स्तर पर होंगे। और खासतौर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लेते हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। ना सिर्फ पार्लियामेंट की तरफ से बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा उन्हें देना था। आवास में समर्थकों का जुटना भी शुरू हो चुका है। भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं पहले से ही समर्थक दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि केंद्र का प्रभार संभालते हुए लगातार काम करते आए हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री के पद से अपने उनकी तरफ से इस्तीफा। और बड़ी बात यह है कि अब समर्थकों का जुटना उनके बंगले पर यह बता रहा है कि मध्य प्रदेश में अच्छी खासी जिम्मेदारी अब कोई मिल सकती है नरेंद्र सिंह तोमर को, और इसलिए अग्रिम बधाई देने के लिए तमाम लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे। इस्तीफा उनका मंजूर हो चुका है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, अलग अलग नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय मंत्री अगर उन्हें ना कहें तो बेहतर होगा, चूंकि अब इस्तीफा उनका मंजूर भी हो गया है। मध्य प्रदेश में अब जिम्मेदारी संभालते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नजर आएंगे, जो कि केंद्रीय मंत्री पद से वो इस्तीफा दे चुके हैं। सही, अशरफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, ये तस्वीरें कुछ संकेत भी दे रही हैं, क्योंकि ये बता रही हैं कि आगे मध्य प्रदेश में अच्छी खासी कोई जिम्मेदारी मिलने वाली है उन्हें। बिल्कुल, देखिए समर्थकों में उत्साह है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब उनके जो समर्थक हैं उनमें काफी उत्साह है, काफी खुश है। सब उम्मीद कर रहे हैं कि जब मध्य प्रदेश में नई सरकार बनेगी तो नरेंद्र सिंह तोमर को नई जिम्मेदारी मिलेगी। नए जिम्मेदारी को लेकर उनको कार्य समर्थक जो हैं अभी से उनके आवाज पहुंचने लगे हैं, उनको समर्थक जो हैं बधाई दे रहे हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर भी काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं, वो भी कार्यकर्ताओं के साथ आराम से बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग विषय पे बात कर रहे हैं, उनके परिजनों से बात कर रहे हैं। बिल्कुल आत्मीयता के साथ वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं और कोई चिंता नहीं है। आराम से उनके चेहरे के भाव से लग रहा है कि जितनी थकान चुनाव की थी वो सब अब उतर चुकी है। अब वो कार्यकर्ताओं के साथ बहुत आराम से उनके साथ परिवार के बारे में उनसे पूछ रहे हैं क्या है। वहीं जो समर्थक आ रहे हैं वो ज्यादातर उनको भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए बधाई दे रहे हैं। जी अवंतिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी अशरफ जो इस बात का जिक्र लगातार कर रहे थे कि जो चेहरे पे जो आराम आप देख रहे हैं वो स्पष्ट भी करता है कि चलिए चुनावी थकान अब खत्म हुई, अब जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरी तरह से जमीनी स्तर पर उतरना है। तमाम समर्थक जिनका पहुंचना इनके यहाँ पर लगातार जारी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी तमाम उनके सहयोगी समर्थक पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात वो लगातार करें। कुर्सी एक, दावेदार अनेक। मध्य प्रदेश को नया सीएम जल्द ही मिलने वाला है। आज रात पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी, ये संभावना जाहिर की जा रही है। इसके बाद विधायक दल की बैठक और विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता का नाम तय हो जाएगा। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व इस पर अपनी मुहर लगाएगा कि आखिर कौन होगा मध्य प्रदेश का अगला मुखिया। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जैसे ही मुहर लगती है फौरन जानकारी ऑफिशियली जारी होगी। उससे पहले विधायक दल की बैठक, विधायक दल की बैठक से पहले पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, जिसे लेकर संभावनाएं धीरे धीरे जाहिर होती हुई। आज रात तक आप ये माने कुछ ना कुछ खबर जरूर निकलकर सामने आएगी कि नियुक्तियों को लेकर या फिर विधायक दल की बैठक को लेकर।
आज सभी की नजर बीजेपी विधायक दल की बैठक पर भी, केंद्रीय नेतृत्व पर भी कि आखिर किस ओर ये सुई घूमती है, क्योंकि कुर्सी तो महज एक है लेकिन दावेदार अनेक है। पूरी सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र सिंह तोमर भी जिसमें आते हैं, प्रहलाद पटेल भी आते हैं उसमें, तमाम ऐसे दिग्गज हैं जो कि सूची में शामिल हुए हैं। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का पहुंचना ये बताता भी है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक अच्छी खासी जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हुए वो नजर आ रहे हैं। प्रहलाद पटेल दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अच्छी खासी जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश में कौन सा जिम्मा उन्हें दिया जाना है इस पर अब हलचल तेज होती हुई। भारतीय जनता पार्टी का ये पैटर्न भी रहा है, हर प्रदेश में हर नाम को लेकर हर प्रक्रिया में चौंकाने का काम बीजेपी करती है, हो सकता है इस बार। तो लगातार आपको हम बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री की दौड़ में शिवराज समेत कई नाम ऐसे हैं जो चर्चाओं में। इस बार बीजेपी ने बिना सीएम फेस घोषित किए हुए ही चुनाव लड़ा था और भाजपा के कई दिग्गज चुनाव जीत चुके हैं। जीतने वालों में केंद्रीय मंत्री सांसद शामिल हैं, प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके नामों पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म। एक मेगा तैयारी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक स्तर पर, अलग अलग राजनेता दिल्ली दौड़ कुछ कर रहे हैं, कुछ समर्थकों से मिल रहे हैं, कुछ संकेत दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेतृत्व पर ये पूरा जो भार है वो डाल दिया जाता है। लेकिन उस बीच भी इन तमाम नेताओं के बीच हलचल, उनके चेहरे की मुस्कान, अलग अलग संकेत देती हुई तमाम ऐसे नाम जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चर्चा का केंद्र रहने वाले हैं, राजस्थान पर भी नजर है वहां पर कौन कौन प्रमुख चेहरे के तौर पर सामने आते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अगर हम फोकस करें तो लिस्ट बहुत लंबी है, मंथन भी मुझे लगता है कि बहुत लंबा चलना है। अंत में वही होगा जो हाईकमान कहेगा, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व कहेगा, जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, ये तीन प्रमुख नेता जो कि अब ये देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तमाम चेहरे जो कि लगातार चर्चाओं का केंद्र बनते हुए छत्तीसगढ़ में कुछ महिला चेहरों की भी बात हो रही है, हो सकता है कि रेणुका सिंह भी हो। और इसलिए आपको हम बताएं कि छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा होगा अगर रेणुका सिंह चुनी जाती हैं तो, कि वो पहली बार महिला मुख्यमंत्री के तौर पर प्रभार संभालेंगी। अब ये देखने वाली बात कि मध्य प्रदेश में कौन होता है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सूची लंबी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी एक है, दावेदार अनेक हैं। हो सकता है कि डिप्टी सीएम के साथ कुछ लोगों को मनाने की कोशिश भी की जाए। अब ये तमाम चीजें हैं जो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और विधायक दल की बैठक के बाद और स्पष्ट होंगी। और प्रचंड बहुमत के बाद बीजेपी में सीएम के चेहरों पर चर्चाएं तेज हैं। इस दौरान जैन मुनिश्री विहर्ष सागर महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एमपी का अगला सीएम ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाना बता रहे हैं। आपको बताएं कि 23 फरवरी 2022 ग्वालियर में जैन मुनि ने उस समय ये भविष्यवाणी की थी कि जब पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे, उस दौरान जैन मुनि ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की भविष्यवाणी की। हालांकि सिंधिया खुद को हमेशा सीएम रेस से दूर रहने की बात करते आए हैं, लेकिन अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। विहर्ष सागर महाराज जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की ओर इशारा कर रहे हैं, अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में देख सकते हैं हमारे सिंधिया जी, अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में देख सकते हैं हमारे सिंधिया जी, अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जैन मुनि की वाणी भी क्या सच होने वाली, अब ये भी एक प्रमुख सवाल बनता है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि महाराज का तो वीडियो वायरल हो ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी तमाम ऐसे पोस्ट जिसमें अलग अलग नामों को लेकर चर्चा हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद फ्रंट फुट पर आकर शायद कुछ ना कहें, लेकिन अटकलों का बाजार जरूर गर्म है। दूसरी तरफ वीडी शर्मा वो खुद भी कह रहे थे कि मैं उस रेस में शामिल नहीं हूं, लेकिन दिल्ली दौड़ होना, अलग अलग नेताओं से मुलाकात करना, हो सकता है कि अलग मायने भी इसके हों। लेकिन बहुत जरूरी कि इन तमाम अटकलों पर आप निगरानी जरूर रखें कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कौन कौन से नामों को लेकर सामने आती है और किसे क्या जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जिस तरह से हम लगातार चर्चा करें कि पैटर्न रहा है बीजेपी का चौंकाने का,
चलिए, अलग अलग सहयोगियों से हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। सुशील कौशिक ने ग्वालियर से रिपोर्ट कर रहे हैं, मिथिलेश गुप्ता है इंदौर से जानकारी पहुंचाएंगे, पवन पटेल हैं जबलपुर की हलचल हमें बताएंगे। सबसे पहले सुशील आपकी ओर मैं रुक कर लेती हूँ, चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र हो रहा था। महाराज जी कह रहे हैं कि 23 में सीएम बनने के पूरे पूरे योग नजर आते हैं, सुशील। बिल्कुल, देखिए जैन मुनि व्यर्ष सागर जी महाराज है जो प्रसिद्ध जैन संत थे देश में, वो जब पिछले साल फरवरी में यहाँ आए थे तो पंचकल्याणक महोत्सव में जब सिंधिया उनके पास आशीर्वाद लेने गए थे तो जैन मुनि ने मंच से ही ये कहा था कि हमारे सामने सिंधिया जी आए हैं और थोड़े दिन बाद देखेंगे कि आप अगले साल जो है सिंधिया जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तो अब चूंकि मुख्यमंत्री की रेस शुरू हो गई है तो महाराज का लगभग ये करीब 1.5-2 साल पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह से सीएम को लेकर अटकलें लगाई जा रही है, तो मध्य प्रदेश में अगर सीएम के चेहरों की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान सबसे नंबर एक के दावेदार है ही है। अगर उनके चेहरे की बात करें तो शिवराज के बाद जिस चेहरे की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो दो चेहरे हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। तो निश्चित तौर पर जैन संत का जो वीडियो है अब तेज़ी से वायरल हो रहा है और आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं भले ही अपने आप को इस सीएम की दौड़ के बाहर बताते रहे हो कि ना पहले वो दौड़ में थे, ना अब दौड़ में, ना आगे, पार्टी जो काम उनको जिम्मेदारी देगी वो निभाएंगे, यानी वो भले ही कहते रहे हो लेकिन अगर नाम पर चर्चा होती है, मोहर लगती है तो निश्चित तौर पर उनको मौका मिल सकता है। लेकिन अब चूंकि सीएम की दौड़ के लिए सभी बड़े जो नेता है, चाहे मध्य प्रदेश से कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, बीडी शर्मा हो, राकेश सिंह हो, तमाम जो लोग हैं वो दिल्ली जा चुके हैं, आलाकमान से मुलाकात कर चुके हैं चुनाव जीतने के बाद। तो निश्चित तौर पर अब ये वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर इस बात की चर्चा है ग्वालियर चंबल अंचल में कि क्या ग्वालियर चंबल अंचल को इस बार सीएम के तौर पर एक चेहरा मिल सकता है। और आपको बता दें कि कल ही ग्वालियर के कांग्रेस के कद्दावर एमएलए सतीश सिकरवार ने भी बीजेपी के आलाकमान से मांग की थी कि इस अंचल के जो दो नेता हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर, उन दोनों में से किसी एक को सीएम बनाना चाहिए ताकि इस अंचल में आज़ादी के बाद से कोई सीएम नहीं बना है, तो ऐसे में इस अंचल का भी विकास हो पाए और एक नया चेहरा इस अंचल से मध्य प्रदेश को सीएम के तौर पर मिले। तो अब निश्चित तौर पर ये वीडियो और तमाम बातें हैं जो सामने आ रही है सीएम को लेकर, लेकिन अब संभवतः 24 से 48 घंटे के अंदर ये तय हो पाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सारी हैं और हर ओर से हैं, अब ये कहना मुश्किल होगा कि किस पर पार्टी आकर टिकती है। शैलेंद्र हमारे साथ भोपाल से भी जुड़े हैं, इससे पहले हम शैलेंद्र के पास पहुंचे, मिथिलेश आपका रुख करना चाहूंगी। मिथिलेश, एक पैटर्न हमने भारतीय जनता पार्टी का समझा है कि हर बार एक ऐसे सिरे पर लाकर खड़ा करती है कि आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते कि भाई आगे क्या होने वाला है। मुझे लगता है इसी प्रकार की हलचल इंदौर में भी होगी, कैलाश विजयवर्गीय भी क्योंकि मिल रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मिल रहे हैं, प्रहलाद पटेल भी जा रहे हैं मिलने, तो आप बता ही नहीं सकते कि आखिर है कौन मुखिया। मिथिलेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय होता है वो काफ़ी चौंकाने वाला होता है, और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस बार मध्य प्रदेश की जो प्रचंड जीत है ये भी भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत हासिल की ये भी काफ़ी चौंकाने वाला है। अगर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की बात करते हैं तो ये नाम आगे क्यों है, उसकी वजह है जब इन्हें हरियाणा का प्रभारी बनाया गया तो हरियाणा में बेहतर स्थिति में भाजपा नजर आई, बंगाल का जब प्रभारी बनाया गया तो बंगाल में भी काफ़ी बेहतर कुछ किया बीजेपी ने, और उसके बाद जब जवाबदारी दी गई मालवा निमाड़ की 66 सीटों के, उसमें 48 सीट बीजेपी जीत कर आई है, और 7 ऐसे जिले हैं जहां पर कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, और 30 साल बाद क्लीन स्वीप इंदौर में, यानी इंदौर की जो 9 सीट है वो 9 की 9 सीट बीजेपी के नाम में है। तो ये कुछ बड़े समीकरण हैं जिसके बाद से कैलाश विजयवर्गीय का नाम इस रेस में कहीं ना कहीं आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर के जो लोग हैं, मानवा निमाड़ के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ की जनता है, इन सभी की जो भावना है, जन भावना है, ये अक्सर कह सकते हैं ये हम कि वो चाहते हैं कि इस बार का जो मुख्यमंत्री हो वो मालवा निमाड़ से हो, यानी इंदौर से हो, और कैलाश विजयवर्गीय जो बड़ा नाम सामने आ रहा है वो उन्होंने जो जवाबदारी मिली उसमें कहीं ना कहीं से एक बेहतर परिणाम वो भारतीय जनता पार्टी को दिला पाए, इसलिए ये नाम की काफ़ी चर्चा चल रही है। कुछ तस्वीर भी हमने अपने दर्शकों को इंदौर से दिखाई कि जहां इंदौर के जो नेम प्लेट दुकान है वहां पे कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री नाम का नेम प्लेट काफ़ी चर्चाओं में रहा। कई ऐसी दुकान है जहां पे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय के नाम के जो मुख्यमंत्री का नेम प्लेट है वो प्रिंट करा रहे हैं, तो ये सब कुछ तस्वीर सामने से आ रही। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय क्लियर बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता को जो भी जवाबदारी
जिम्मेदारी दी जाती है केंद्रीय नेतृत्व से, उसे वो निभाते हैं। कहीं भी वो सीएम की रेस में नहीं है, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करेगी। मुझे लगता है कि मिथिलेश, बहुत गहन चर्चा बीजेपी में भी चल रही है क्योंकि एक से एक चेहरा है सारे, कोई किसी से कम नहीं है। बने रहेगा हमारे साथ पवन, आपकी ओर रुक कर रही हूं। पवन, बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी एक है, मुखिया एक होगा, लेकिन नामों का जो पैनल चलता रहा है वो बहुत लंबा है, कोई खफा ना हो इसका ध्यान भी बीजेपी को रखना पड़ेगा। पवन, बिल्कुल अवंतिका, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, साथ ही जनता की अपेक्षाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश की जो आबो हवा है, जिस तरह की यहाँ की शासन और प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, जो योजनाएं हैं उनका पालन कराना है, उनको आगे भी भविष्य में भी उनको लोगों तक पहुंचाना है, तो ये तमाम विषय रहेंगे। लेकिन बीजेपी की जो खासियत है कि वो हमेशा चौंकाती है, उसके निर्णय हमेशा चौंकाते हैं। कई बार ऐसे पहले भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं कि जब किसी ने कोई उम्मीद भी ना की हो वैसे निर्णय बीजेपी लेती है, जैसे कि सात सांसदों केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारना विधानसभा चुनाव में, ये भी चौंकाने वाला निर्णय था। रिजल्ट आया वो भी चौंकाने वाला था, और अब चूंकि मुख्यमंत्री का नाम तय होना है, सभी दावेदार मिल रहे हैं जिनके नाम की चर्चा हो रही है, महाकौशल का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रहलाद सिंह पटेल की भी अगर बात करें तो उनका कद और अनुभव काफी बड़ा है, लंबा पोर्टफोलियो है उनका, पॉलिटिकल करियर बहुत बढ़िया है, कॉलेज के समय से ही राजनीति में सक्रिय रहे और तमाम पदों पर रहने के बाद उन्होंने अपनी छाप छवि और कार्यशैली से लोगों को प्रभावित किया है, तो उनका नाम भी चल रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर सीनियर लीडर है। इसके अलावा महिला नेत्रियों की बात करें तो महिलाओं के प्रति जिस तरह की भावना और जिस तरह की योजनाएं बीजेपी की रही है उसमें रीति पाठक का नाम भी आ रहा है कि हो सकता है कि इस बार चौंकाने वाले नामों में रीति पाठक भी मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अंत में हम निष्कर्ष यही निकालते हैं कि देखिए जो भी हो पार्टी का फैसला है। अब सीधे आपको हलचल के हब में लिए चलते हैं, भोपाल। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये मुझे लगता है दो तरफा है, राजधानी से दिल्ली तक की दौड़ अभिनेता लगा रहे हैं और तमाम दिग्गज जो दिल्ली से भोपाल तक की दौड़ लगाते हुए इस्तीफा देते हुए नजर आते हैं। हलचल क्या कह रही है, दिल्ली में जो नाम तय हो रहे हैं उनका भोपाल में कहीं सुगबुगाहट गलियों में नजर आती है? शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सबसे ज्यादा सरगर्मी का सेंटर होता है क्योंकि यहीं से सीएम रहना है, यहीं से सब कुछ सरकार चलेगी, तो अभी सारा रुख दिल्ली की तरफ है, हवाएं दिल्ली की तरफ है, सबकी नज़रें दिल्ली में गड़ी है। लेकिन भोपाल में पिछले तीन दिन में वो तमाम विधायक, तमाम नेता जो कि मंत्री पद के भी दावेदार है, वो भोपाल में ही डेरा डाले हुए थे। लगातार वो विधायक हो, मंत्री पद के दावेदार हो, वो भी ये जानना चाह रहे कि आखिर हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, आखिर किसके हाथ में कमान आएगी। अब हम बात करें जो टॉप चार से पांच लीडर है जिनके नाम सबसे ज़्यादा दौड़ में आगे चल रहे हैं, उन सबके समर्थक विधायक भी यहीं भोपाल में डेरा डालें। भाजपा के साथ एक बात अच्छी है कि वो अनुशासन को लेकर मानी जाती है, यहाँ केडर बेस्ड पार्टी होने के कारण यहाँ पर कोई भी विधायक खुल के किसी के समर्थन में नहीं है, वो ये नहीं कहता है कि इनको सीएम बनाया जाए, लेकिन दबे जुबान कहीं ना कहीं ये जो बात आ रही है कि ग्वालियर चंबल से सीएम होना चाहिए या मालवा निमाड़ से सीएम होना चाहिए या फिर बुंदेलखंड से होना चाहिए, इस तरह की अलग अलग विधायकों के बात होती है लेकिन वो खुलकर सामने नहीं बोलते, लेकिन यहाँ सियासी सरगर्मी बहुत ज्यादा है, उसे लेकर मीडिया के सामने बोलने से भी बचते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। पवन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश, आपका भी शुक्रिया। सुशील, आपने भी जानकारी भेजी है, बहुत शुक्रिया आपका भी। तो ये चार नाम है जिन्हें लेकर हम चर्चा लगातार कर रहे थे, चार मुख्य जिलों से आते हैं। बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी भी स्पष्ट नहीं किया गया, संभावनाएं जल्द ही आ सकती है, देखने वाली बात क्या होता है। खबर 2020